राजस्थान में सियासी बयानबाजी का माहौल गरमाया हुआ है। चाहे कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के, कोई भी बयानबाजी में पीछे नहीं रह रहा है। बीते दिनों विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के एक ही मित्र पर अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां मौजूद कार्मिकों को डांट फटकार करते हुए दिखाई दिए और बोले, फर्जी मित्र तैयार करके बांग्लादेशियों को यहाँ का स्थायी पता देने की साजिश कर रहे हो। तो वहीं अब कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बाल मुकुंद आचार्य को नसीहत दी और बोले, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चवन्नी छाप करता है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। आचार्य का वीडियो वायरल हुआ और जब पुलिस ने मित्र के सभी दस्तावेजों की जांच की तो जांच में कोई भी फर्जी आधार कार्ड या फर्जी दस्तावेज नहीं पाए गए, जिसके बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य बैकफुट पर आ गए। तो वहीं जब डोटासरा से आचार्य के हवाले से सवाल किया गया तो वो बोले, ऐसे लोग भी विधानसभा में पहुंच गए, भगवान उनको लंबी उम्र दे, 5 साल वो रहे। अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए, लाखों लोगों के प्रतिनिधि बन गए, उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चवन्नी छाप करता है। सुनिए डोटासरा क्या कुछ बोले। बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, आधार कार्ड चेक करते, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी विधानसभा में पहुंच गए और भगवान उनको लंबी उम्र दे, 5 साल वो रहे, लेकिन उनको अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो विधायक बने हैं, लाखों लोगों के प्रतिनिधि बनकर के पूरे राजस्थान के 200 में से एक विधायक चुनकर के गए हैं, उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चवन्नी छाप आदमी करता है, वैसे नहीं करनी चाहिए। एमएलए का अपना स्टेटस होता है, एमएलए का अपना स्टेटस होता है, उसको उस एमएलए की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा। एक एमएलए अगर गनमैन से केड़े मंगा के खा रहा है उसके पैसे से, तो वो डिग्निटी खराब होती है उसकी, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या केंद्र में तो क्या बात कर रहे हो, बांग्लादेशी घुस गए तो ये इनके काका जी मोदी जी क्या कर रहे थे, फिर बैठे बैठे रमेश शाह जी क्या कर रहे थे, उनसे पूछो सवाल के क्यों चले गए बांग्लादेश से। यहाँ कोई आ रहा है तो ये हमारी कांग्रेस की राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी थी क्या, और ये तय कर देगा क्या, इसको किसने अपॉइंट किया कि तेरे को चेक करना है, कोई टेस्ट लगा के ये बांग्लादेशी है कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये जो है साधु है कि ये आदमी है कि ये औरत है, किसने अधिकार दिया। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, उस विधानसभा क्षेत्र में कैसे लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, कैसे लोगों की सुविधाएं जो है वो उसको ध्यान में रखा जाए, उतना सा काम है। आता आकाश बानु पाताल बानु और खुद की छान की एक झोपड़ी जी की भी उड़गी भाई बन बंदे। बताते चले, इस मामले ने तूल इसलिए भी पकड़ा क्योंकि विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इससे पहले भी मीट की दुकान, नॉनवेज होटलों को लेकर भी इसी तरह सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें भाजपा नेतृत्व की ओर से फटकार भी लगी थी, लेकिन एक बार फिर बाबा ने मित्र सेंटरों पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाया जो कि पुलिस जांच में गलत पाया गया। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।